स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। आज हम इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा वेटेज वाला और सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। एग्ज़ाम में ये गारंटेड है कि आता ही आता है, और इसका आपने नाम भी सुना होगा, इट इज़ कॉलिजन। सबसे पहले नाम से ही देखो कि क्या पता चलता है कॉलिजन। कॉलिजन्स क्या बोल सकते हैं हम कि कोलाइड, ठीक है। कोलाइड का मतलब हमने पढ़ा है, कोलाइड होता है किसी भी दो चीज़ों का टकराना, ठीक है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का टकराना क्या होता है, कोलाइड करना, और जो उनकी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, कॉलिजन, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे बेटा, कॉलिजन फिर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द इंट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज एंड पार्टिकल विच चेंजेस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इट मीन्स कोलिजन क्या होता है बेटा, इट इज़ द इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। इंट्रैक्शन के बाद क्या होता है, इंट्रैक्शन के बाद जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन एक वेलोसिटी की चेंज हो जाती है। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आया, ठीक है, उसने कोलाइड किया, या तो दोनों ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो किस डायरेक्शन में जाते हैं। पर ये श्योर होता है कि उसकी जो वेलोसिटी है किसी भी चीज़ से टकराने के बाद, या तो वो तेज़ी होएगी, अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी है तो वो स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। और डायरेक्शन तो चेंज होगी, जिस स्ट्रेट पाथ में वो जा रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं कि वो उसी पाथ पे जाए, ठीक है। तो कॉलिजन मेरा क्या होता है बेटा, कॉलिजन होता है इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज विच चेंजेस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो कॉलिजन सिंपली ये होता है। इसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें थिंग होती है, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है इसके टाइप्स। और टाइप्स में जो एक्सप्रेशन है, तीन एक्सप्रेशन होंगे बेटा, तीन में से मैं गारंटी देती हूँ आपको कि एक एक्सप्रेशन एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। इस चैप्टर में अब तक जो मैंने कराया वो एक तरफ है, और जो ये है ये एक तरफ है, ठीक है। इट मीन्स उसमें से एक आएगा और इन तीनों में से एक आएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये एक टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपैरिजन टू प्रीवियस टॉपिक्स, ठीक है। तो इसके टाइप्स कितने होते हैं बेटा, इसके थ्री टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, सेकेंड वन इज इन इलास्टिक कॉलिजन, एंड द थर्ड वन इज परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। ओके, इसके थ्री टाइप्स होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। तो बेटा ये क्या होते हैं, अब मेन टॉपिक अब शुरू होता है कि कॉलिजन में ये जो पॉइंट्स हैं, ये टाइप्स हैं, ये कैसे अलग अलग एक दूसरे से डिफर हो जाते हैं, इनके क्या एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट्स डू दिस। द फर्स्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है बेटा, इसमें होता है जब कॉलिजन होता है किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो जो लीनियर मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी है दोनों का क्या होगा, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होती है बेटा, कंजर्व्ड, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का क्या होता है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होती है, कंजर्व, ठीक है। तो इसमें आप यही लिखेंगे कि व्हेन टू बॉडीज आर कोलाइड टू ईच अदर देन देयर लीनियर मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल्स टू द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन। जब हमारा बिफोर द कॉलिजन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर वही मेरा आफ्टर कॉलिजन हो जाता है बेटा, तो वही क्या होता है, कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन मेरी ये तो होते हैं किसी भी, आप जब मेरा बिफोर और आफ्टर मीन्स इनिशियल और फाइनल जब सेम होता है तो वो क्या हो जाता है, कंजर्वेशन, ठीक है। तो मेरा परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या होती है,
कंजर्व, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल होता है, कई बार इसमें पूछ लेते हैं कि आपसे शुरुआत में जब एक्सप्रेशन कराते हैं व्हाट इज़ द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, और फिर जो इसके एक्सप्रेशंस में आप कराऊंगी वो, ठीक है। तो ये आपका 1 मार्क का होता है कंप्लीट, तो ये लिखना ज़रूरी होता है, एक अच्छा इंट्रो हो जाता है आपका एक्सप्रेशन के लिए। अगर एक्सप्रेशन में नहीं भी पूछा है, आप इसे एज अ इंट्रो लिखोगे इंट्रोडक्शन की तरह, तो आपकी एक बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर, और वो बड़े अच्छे से आपकी प्यार से कॉपी चेक करता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, एग्जाम्पल हम लेंगे कॉलिजन ऑफ एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलास्टिक, ठीक है। जब कोई भी हमारा एक ही जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो उसके डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो भी एटम्स होते हैं, तो उनका जो आपस में कॉलिजन होता है बेटा वो क्या होता है, आपस में जो कॉलिजन होगा इनका वो कॉलिजन होगा मेरा इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। क्योंकि इसके जो होता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम मेरा क्या रहेगा इसमें, कंजर्व्ड, ठीक है। इसके बाद बेटा आता है सेकेंड वन इज इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन में बेटा मेरा क्या होता है कि मेरा लीनियर मोमेंटम तो होता है कंजर्व, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ठीक है। इट मीन्स जो मेरा बिफोर द कॉलिजन लीनियर मोमेंटम होगा और जो आफ्टर द कॉलिजन लीनियर मोमेंटम होगा वो तो सेम होगा, तभी वो कंजर्व्ड होगा, बट काइनेटिक एनर्जी में मेरा डिफरेंस हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे देखो बेटा कोई लॉस हो जाएगा या फिर गेन हो जाएगा, तो देखो काइनेटिक एनर्जी है। अब इसमें सबसे मेन पॉइंट आता है लॉस होगा या गेन होगा, वो हम एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं, तो मैं इसलिए आपको पहले ही बता देती हूँ कि लॉस है या गेन है। तो इसमें बेटा लॉस होगा, लॉस कैसे होगा, अब कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसे क्लाइड किया तो वो क्या करेगा, इससे टक्कर लगने के बाद क्या वो तेज जाएगा या वो आराम से आएगा, ठीक है। तो उसकी जो मूवमेंट में एनर्जी थी तो वो ज़्यादा लूज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा बेटा, लॉस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का जो आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। तो कोई भी इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें ना कई बार चीज आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो कोई भी, उसमें भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि आपको देगा कि अ कॉलिजन इन विच लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, ऑप्शन हो गए परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड द थर्ड वन इज परफेक्टली इन इलास्टिक एंड द डी नन ऑफ दीज या बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी, ठीक है। आपके ऐसे ऑप्शन आएंगे जिससे आपका दिमाग एक बार थोड़ा कन्फ्यूज हो जाए कि एक्चुअल में होता क्या था, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में मेरा कौन सी चीज़ें कौन सी टर्म्स कंजर्व्ड होती है, इन इलास्टिक में क्या कंजर्व्ड होता है और इन परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या कंजर्व्ड होता है, ठीक है। तो आपने ये थोड़े अपने ध्यान से अच्छे से बेस की तरह इसे एक बार अच्छे से प्यार से याद कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये आपके अब CBSE या किसी भी एग्जाम्स बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इन इलास्टिक कॉलिजन लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, जब कोई भी एक बॉल थ्रो की जाती है एक पर्टिकुलर हाइट तक, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट से बॉल थ्रो फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट, इट डजंट रिबाउंड ऑन सेम हाइट, ठीक है। आपने कोई भी आप शुरुआत में बचपन में भी अपनी गेम्स खेलते थे, जब आप ऐसे बॉल को पुश करते हैं नीचे तो क्या वो आती है उसी हाइट पे, नहीं, वो पहले इतनी हाइट पे है, बाद में वो ठप्पा खा के इतनी पे आएगी, फिर ठप्पा खा के इतनी पे, इतनी इतनी इतनी, तो ऐसे ऐसे जाके बहुत ही लास्ट में जाके बिल्कुल ही स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं बेटा कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, घट रही है, तो घट रही है तो क्या हो रहा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस। तो आप समझे कि इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, उसका क्या होगा, लॉस,
ठीक है, और मेरा लीनियर मोमेंटम जो है वो रहेगा कंजर्व। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा थर्ड केस, थर्ड टाइप आती है मेरे कॉलेजन की, वो होती है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलेजन। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें होता है बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक में, इसमें अलग केस आ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस में ना बेटा ये होता है कि कोई भी, जब हमारी एक बॉडी है, ठीक है, ये मेरा वुडन ब्लॉक है, ये मेरी कोई भी मैंने बुलेट फायर करी, ठीक है, आपस में ये ब्लड, जब इसकी वेलोसिटी, ये स्टेबल था, इसकी कोई भी वेलोसिटी रही होगी यू, इसके बाद ये क्या होगा, ब्लड फायर की मैंने, वो वुडन ब्लॉक में गया, इसी के अंदर रहा, देन वुडन ब्लॉक भी मूव कर जाता है, क्योंकि एक फोर्स मिलता है उसे बुलेट के थ्रू, जब रिकॉइलिंग ऑफ गन में आपने पढ़ा है कि रिकॉयल करते गन में पीछे रिटार्डिंग फोर्स जाता है और साथ में बुलेट आगे भी जाती है, वो बहुत ज़्यादा फोर्स से लगाएगी वुडन ब्लॉक पे, तो वुडन ब्लॉक भी ऑब्वियसली बात है स्टेबल नहीं रहेगा, मूव कर जाएगा इधर सामने इधर इधर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा बेटा, यहाँ पे बुलेट मेरी वुडन ब्लॉक में चली जाएगी। ठीक है, तो वुडन ब्लॉक में जाने के बाद ये क्या कर जाएगी, एज अ सिंगल बॉडी मूव हो जाएगी, क्योंकि इस केस में बुलेट क्या हो गई, इसके अंदर इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो एज अ सिंगल बॉडी जब ये मूव कर जाएगी, तो इसमें परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलेजन में मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, द कॉलेजन बिटवीन टू बॉडीज इन सच अ वे दैट द बॉडी is embedded and embedded into other body and then move like a single body is called परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलेजन। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हमारा यही होगा कि ब्लड फायर करते हैं हम एक वुडन ब्लॉक में, देन वो मूव कर जाते हैं एज अ सिंगल बॉडी। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा सबसे ज़्यादा एक ना छोटा सा, इनकी एक्सप्रेशन करने से पहले एक छोटा सा ना आपका एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो एग्जामिनर ये है कि उसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रही है और वो आता भी है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी, या फिर आप कोई भी किसी भी स्कूल का टेस्ट दोगे उसमें टीचर्स डाल देते हैं ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कॉलेजन एक बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड है, इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपको कॉलेजन भी समझ आ गया, मैंने कॉलेजन बताया सिंपली होता क्या है, और जो मेरी ये तीनों पार्ट्स भी आ गए, क्या मेरा कंजर्व होता है, कौन सी मेरी थिंग कंजर्व नहीं होती है। ठीक है, तो ये बेटा कंजर्वेशन का ही एक लॉ है कॉलेजन में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी for a simple pendulum। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा पेंडुलम सिंपली होता क्या है, जब कोई भी हम एक स्ट्रिंग पर एक मास बॉब टांग देते हैं, ठीक है, या फिर आपने वॉच में भी देखा होगा, अपने घर में वॉच होती है, उसके नीचे एक स्ट्रिंग होता है, उसके नीचे एक कोई भी मास बॉब होता है, वो ऐसे मूव जाता है, ये जो स्टेबल होता है ये होती है बेटा उसकी मेन पोजिशन, देन वो मूव जाता है इस तरफ, फिर मेन पोजीशन पे आता है, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, ठीक है, मेन पोजीशन पे आता है, इट मीन्स वो पूरी एक ऑसिलेशन में, पूरी एक ऑसिलेशन होगी बेटा, देखो यहाँ से गया मेन पोजीशन, देन यहाँ, यहाँ, पूरी जब एक टू एंड फ्रो मोशन होने के बाद जब वो दोबारा से इस पे आएगा, तब क्या होता है मेरा एक पूरा ऑसिलेशन होता है, और जो टू एंड फ्रो ऑसिलेशन मोशन भी हो जाती है, ये इसका ऑसिलेशन मोशन का भी एग्जाम्पल होता है पेंडुलम। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है बेटा, जो मेन पोजीशन आप देख सकते हो एक ही ऑसिलेशन में, मेन पोजीशन पे मास बॉब कितनी बार आएगा, दो बार, एक बार तो मेन पोजीशन जब शुरू हुआ इस तरफ, देन फिर इस तरफ जाके बेटा वो इस तरफ खत्म होगा। ठीक है, तो दो बार एक ही ऑसिलेशन में वो आ जाता है, और ये मोशन कौन सी होती है, ऑसिलेशन मोशन। और पेंडुलम क्या होता है, व्हेन अ स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू अ मास बॉब देन इट विल एक्ट एज अ पेंडुलम। ठीक है, तो आप कोई भी जैसे ये लो, ये मास बॉब है, इसका मास m है। ठीक है,
ये बेटा मेन पोजीशन है मेरी, मेन पोजीशन। देन उसके बाद ये अगर इस तरफ गया, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ये अगर यहाँ है तो ये हाइट है मेरी एच, ठीक है। अब देखो फिर ये दोबारा से कहाँ पे, पहले ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आएगा, फिर किस तरफ जाएगा, इस तरफ। इस तरफ जब गया, ठीक है, सेम हाइट से जाता है तो यहाँ भी मेरी हाइट कितनी हो जाएगी, एच, ठीक है। इस तरफ गया, फिर बेटा इस तरफ आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसमें कंजर्वेशन का कंसेप्ट आप कैसे लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेन पोजीशन पे मेरी हाइट क्या है, एट मेन पोजीशन हाइट इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या होती है, एम जी एच, एज हाइट इज जीरो देन पोटेंशियल एनर्जी विल ऑल्सो बी जीरो, ओके। तो यहाँ पे मेरी टोटल एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है क्या है बेटा, सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेरा होता है किसी भी जो पोजिशन पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो मेरी टोटल एनर्जी है वो मेरी कंजर्व रहेगी, इट मीन्स मेरा जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा वो क्या रहेगा, इक्वल, ठीक है, मेन पोजिशन के लिए भी और ये एक्सट्रीम पोजिशन के लिए भी, ये दोनों मेरी क्या होगी, एक्सट्रीम पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी टोटल एनर्जी आएगी वो मेरी यहाँ पे भी होनी चाहिए। टोटल एनर्जी सिंपली बेटा मेरी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एज एट मेन पोजिशन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो देन टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स द टोटल एनर्जी विल बी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मेरी मेन पोजिशन पे क्या हो जाएगी बेटा, सारी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे पोजिशन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो मेन पोजिशन पे। अब देखो बेटा यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन पे देखो बेटा, एक्सट्रीम पोजिशन पे एच क्या है मेरी, एच है, फाइनल हाइट मेरी एच है, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मेरी होती क्या, हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे मेरी पहुँच गई है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, जीरो, देन माई काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। तो एक्सट्रीम पोजिशन पे मेरी क्या हो जाएगी बेटा, टोटल एनर्जी, एक्सट्रीम पोजिशन पे वॉल ऑफ द टोटल एनर्जी विल बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, जीरो। तो एक्सट्रीम पोजिशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, जीरो। सेम ऐसे इसी का इस एक्सट्रीम पोजिशन पे भी करेंगे, इस एक्सट्रीम पोजिशन पे भी क्या हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच, और मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे भी, जीरो। तो मेरे टोटल एनर्जी विल बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप समझ गए कि अब देखो यहाँ पे भी क्या थी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल थी, यहाँ पे दोनों पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल थी, ठीक है। तो जो भी था मेरी टोटल वैल्यू थी वो मेरी क्या रही, कंजर्व, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ, हैंस एट मेन पोजिशन टोटल एनर्जी क्या है मेरी, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। और एक्सट्रीम पोजिशन की कंजर्वेशन देखते हैं हम, इस पे एक्सट्रीम पोजिशन पे दोनों में मेरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है जीरो, तो देयर फॉर एम जी एच है मेरी टोटल एनर्जी, और वो क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे दोनों ही एक्सट्रीम पोजिशंस पे मेरी टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी मेरी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में है, तो देयर फॉर क्या वो, हैंस कंजर्व्ड, ठीक है। आप सिंपली ऐसे जो मैंने किया ऐसे आपको बनाना होता है, 2 मार्क्स में ये पूछता है आपसे, और ये आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि आपकी कंजर्वेशन कैसी है। इस चैप्टर में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड यही किया है, एनर्जी और मोमेंटम, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, क्योंकि इसमें आपका स्ट्रिंग के साथ आपका कॉलिजन भी, मतलब कॉलिजन नहीं, आपका स्ट्रिंग वाला केस आ जाता है कि आप कैसे करेंगे, इसमें मास के साथ है, पेंडुलम वाला केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका। आपने पेंडुलम के साथ पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली थी, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपसे न्यूमेरिकल भी बेसिस पे पूछ लेते हैं और कंसेप्चुअल बेसिस पे भी पूछ लेते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन
जो हमारा एक्सप्रेशन रहेगा आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो होता है बेटा, आप थोड़ा ना मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में इसे नोट करते रहिए ताकि आपको स्टेप्स बाय स्टेप मिस्टेक ना हो। एक बार आप भी अपने हाथ से इसे राइट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इसमें मिस्टेक ना होने के, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इलास्टिक कोलिजन, इन वन डायमेंशन, कोई भी एक बॉडी थी जिसका मास था m1, वन देन सेकेंड बॉडी जिसका मास था m2, ये किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रही है u1 से, ये किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है u2 से, ठीक है। अगर मैं लेती हूँ बेटा u1 ग्रेटर देन है u2, इट मीन्स अगर मेरी फर्स्ट बॉडी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है तो ये इसमें आगे जाके टकरा जाएगी, देन मेरा सेकेंड केस क्या हो जाएगा, m1 m2 क्लाइड होने के बाद ये एक दूसरे से अलग जाएंगी, देन m1 मेरी मूव कर लेगी फाइनल वेलोसिटी v1 से और मेरी m2 बॉडी मूव करेगी फाइनल वेलोसिटी v2 से। तो ये मेरा केस है बिफोर कोलिजन। आप ऐसे ही फ्लो चार्ट बना देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आप ये, और हमारे तो फिजिक्स सब्जेक्ट है तो इसमें डायग्राम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एज कंपेरिजन टू थियोरी। अगर थियोरी के साथ साथ हम अपने डायग्राम बना देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्कोर कर लेते हैं, हमें गुड स्कोरिंग होती है, एक मार्क्स डिडक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा बिफोर कोलिजन, आप इसे बिल्कुल ऐसे ही करेंगे एग्जाम में, ये होगा कोलिजन, यहाँ पे कोलाइड हुई दोनों बॉडीज। और ये क्या हुआ बेटा आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो आप जो मैंने अब तक बताया वो आप ऐसे थियोरिटिकल बेस में लिखेगा कि एक कोई भी कंसीडर टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 एंड m2, ठीक है, टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 एंड m2, ठीक है। उसके बाद आप लिखेगा कि एज u1 ग्रेटर देन u2, एंड लिखिए मूव वन m1 एंड m2 मूव विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली, इफ u1 इज ग्रेटर देन u2 देन दे विल कोलाइड एंड आफ्टर कॉलिजन दे विल मूव विद फाइनल वेलोसिटी वी वन एंड वी टू। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद देखो जो मेरा इसका मोमेंटम होगा, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या होगा, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, ओके। और मेरा मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ठीक है, ये मेरा मोमेंटम हो गया। अब हमें पता है बेटा इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कॉलिजन में मेरा मोमेंटम होता है कंजर्व एज, आप लिखिएगा कि एज इन इलास्टिक कॉलिजन मोमेंट इज कंजर्व, एज मोमेंट इज कंजर्व, therefore due to conservation of momentum momentum of before collision will be equal to after collision m1 u1 plus m2 u2 must be equal to m1 v1 plus m2 v2, ये होना चाहिए। इसके बाद देखो अगर मैं वन वन टर्म एक तरफ करती हूँ, एम वन यू वन माइनस एम वन मास वाली मैं एक तरफ करती हूँ और एम टू वाली एक तरफ, देन रीअरेंज करने के बाद एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू, एम वन मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे आया यू वन माइनस वी वन, यहाँ पे आया बेटा एम टू वी टू माइनस यू टू, ठीक है। अगर ये है मेरी इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होगी, मेरी बॉडी है, ठीक है, इसका मास क्या है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगी, एम वन के लिए मेरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ एम वन यू वन स्क्वायर, और मेरी एम टू यू टू के लिए हाफ ऑफ एम टू यू टू स्क्वायर, बिफोर कोलिजन टोटल ये हुई मेरी काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी बेटा? हाफ ऑफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम टू वी टू स्क्वायर। एज एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होती है? कंजर्व्ड। एज काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड हैंस मेरी बिफोर और आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम। देयरफॉर हाफ ऑफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम टू यू टू स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम टू वी टू स्क्वायर। क्योंकि बेटा मेरी एनर्जी भी कंजर्व है तो वो बिफोर और आफ्टर कोलिजन क्या होनी चाहिए? सेम। अब देखो यहाँ से हाफ हाफ अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ, अगर इस टर्म्स में से मैंने हाफ कॉमन लिया, इस तरफ से भी हाफ कॉमन लिया, देन हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन मेरी टर्म क्या बच जाएगी यहाँ पे? एम वन यू वन स्क्वायर प्लस एम टू वी यू टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वन वी वन स्क्वायर प्लस एम टू वी टू स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद क्या होता है बेटा? आप इसमें भी अरेंज करिए, एम वन यू वन स्क्वायर माइनस एम वन वी वन स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एम टू वी टू स्क्वायर माइनस एम टू यू टू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हुई आपकी टर्म। इसके बाद देखो ये आई मेरी इक्वेशन थर्ड। अब मेरी इक्वेशन सेकंड क्या आई थी बेटा? इक्वेशन सेकंड थी मेरी एम वन मल्टीप्लाइड बाई यू वन माइनस वी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू माइनस यू टू। अगर मैं डिवाइड करती हूँ इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, देन एम वन यू वन स्क्वायर माइनस एम वन वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन यू वन माइनस वी वन एम टू वी टू स्क्वायर माइनस एम टू यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम टू, क्या है मेरी इक्वेशन? वी टू माइनस यू टू। ओके, इसके बाद देखो मैं इसमें से कॉमन लेती हूँ एम वन, देन यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर एम वन यू वन माइनस वी वन इज इक्वल्स टू एम टू कॉमन लिया वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन वी टू माइनस यू टू एम टू। अब यहाँ से देखो बेटा एम वन से एम वन कैंसिल आउट हुआ, एम टू से एम टू कैंसिल आउट हुआ, देन रिड्यूस होकर मेरे टर्म्स क्या बची? यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइड बाई यू वन माइनस वी वन, इस तरफ वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर डिवाइड बाई वी टू माइनस यू टू। ओके, तो यहाँ से देखो बेटा, अब मुझे पता है आपने अपने एलजेब्रा में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा क्या होता है। इसकी आइडेंटिटी को अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ तो ए प्लस बी ए माइनस बी। If I put u1 a and v1 is equals to b, then ये कैसे एक्सपेंड हो जाएगा? u1 plus v1 and multiplied by u1 minus v1। तो मैं इसे एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ से मैंने एक्सपेंड किया u1 minus v1 u1 plus v1 divided by u1 minus v1 यहाँ से v2 टू माइनस यू टू सेम एज इट इज़, जैसे मैंने इसको एक्सपेंड किया ऐसे मैं इसको एक्सपेंड करूँगी v2 टू माइनस यू टू। अब देखो बेटा इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हुई तो मेरा रिड्यूस होकर क्या बचा? u1 वन प्लस वी वन इज इक्वल्स टू वी टू प्लस यू टू। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं अब देखो अगर मैं इसे डिवाइड में लेके आती हूँ, अब v और v की टर्म आप एक तरफ करो, u और u की टर्म एक तरफ करोगे तो u1 वन माइनस यू टू इज इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन। ठीक है, अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में लेके आऊँगी तो क्या होगा? v2 टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई यू वन माइनस यू टू इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? ये मेरा होता है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसमें पता है क्या होता है, इस एक्सप्रेशन में पूछ लेते हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगी और इसमें बोल देते हैं कि आप एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, इसकी आप वैल्यू निकालिए। तो जैसे आपने शुरुआत से लेके मैंने अब तक एक्सप्रेशन किया, आप उस एक्सप्रेशन को करेंगे एंड इट विल बी गिव्स अस द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब आप इसमें ना याद रखिए कि ये क्या आ रहा है, वन, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन परफेक्टली
इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, वन, ठीक है, तो मेरी वन होती है वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे, वी कैन डिफाइन इट, वी टू माइनस वी वन क्या बेटा, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी टू द इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। या फिर आप इसे बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन टू द रेशियो ऑफ बिफोर द कोलिजन, ठीक है। सेम आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी टू माइनस वी वन क्या है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और मेरी ये क्या है बेटा यू वन माइनस यू टू, ये है मेरी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, और ये मेरा क्या हुआ बेटा आई है इज इक्वल्स टू वन, और मेरा ये क्या होता है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से कीजिए। इसके बाद बेटा इसे और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं वन डायमेंशन में यहाँ तक पूछते हैं, बट कई बार अगर ये 8 मार्क्स में आता है तो इसके अनदर केसेस भी पूछ लेते हैं, उसके आगे हम कैसे करेंगे इसे। अब देखो बेटा यहाँ पे मेरी इक्वेशन आई थी वी टू माइनस वी वन इज इक्वल्स टू यू वन माइनस यू टू, अगर मैं वी वन को उस तरफ लेके जाऊँ तो वी टू विल बी यू वन माइनस यू टू प्लस वी वन, इट इज इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। अब देखो ये मेरी इक्वेशन फोर आई, अब क्या करेंगे बेटा जो मेरी इक्वेशन ये आई है अब मैं इसे वैल्यू पुट करूंगी, पुट द वैल्यू जो मेरी आपकी ये सेकेंड इक्वेशन थी, ठीक है, एम वन यू वन माइनस वी वन एम टू वी टू माइनस यू टू, मैं इसमें क्या करूंगी मैं इसमें वी टू की वैल्यू पुट करूंगी, ठीक है, जो मेरी ये वाली है टर्म कंजर्वेशन वाली में मैं पुट करूँ, अगर एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू की जगह मैं क्या पुट करूँगी बेटा यू वन माइनस यू टू प्लस वी वन, आप इसे एक्सप्लेन करेंगे एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू यू वन माइनस एम टू यू टू प्लस एम टू वी वन, ठीक है। आप एम टू वाले टर्म्स को अगर इस तरफ लेके आएंगे यू वाले टर्म्स को एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू माइनस एम टू यू वन, और यहाँ क्या बचेगा बेटा प्लस एम टू यू टू, और इस तरफ बचा एम वन वी वन प्लस एम टू वी वन, ठीक है। आप इससे आगे एक्सपेंड करेंगे यू वन है यहाँ पे यू वन है, तो यू वन से कॉमन लिया हमने क्या आया एम वन माइनस एम टू प्लस टू एम टू यू टू, और उस तरफ क्या हुआ वी वन कॉमन लिया एम वन प्लस एम टू, ठीक है। एम वन माइनस एम टू आप इसे या तो ऐसे ही लिख सकते हैं यू वन, तो यहाँ से मेरी वी वन की वैल्यू क्या आई बेटा यू वन एम वन माइनस यू वन एम टू प्लस टू एम टू यू टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, वी वन की मेरी वैल्यू आई ये, ठीक है। इसमें हम सिंपली आगे एक्सपेंड कर रहे हैं वी वन और वी टू की वैल्यूज निकालने के लिए। अब ये आई मेरी इक्वेशन फिफ्थ, अब मैं इसको पुट करूँगी पुट इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में मैं अगर इसमें फोर्थ में पुट करती हूँ तो मेरी क्या आएगी फोर्थ इक्वेशन मेरी क्या है व्हेन वी टू इज इक्वल्स टू यू वन माइनस यू टू प्लस वी वन, मैं इसमें बेटा पुट करूँगी वैल्यूज़ को
देन वी टू विल बी यू वन माइनस यू टू प्लस वी वन की जगह मैं क्या पुट करूँगी, यू वन एम वन माइनस यू वन एम टू प्लस टू एम टू यू टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। अब अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ बेटा तो क्या आएगा, वी टू विल बी यू वन एम वन प्लस एम टू यू वन माइनस यू टू एम वन प्लस एम सॉरी माइनस एम टू यू टू प्लस एम वन यू वन माइनस यू टू एम टू प्लस टू एम टू यू टू एंड डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। ठीक है, तब देखो यहाँ से ये क्या एम वन यू वन, आप जो जो कैंसिल आउट होगा वो क्या है, आप इसे एक बार एम वन यू वन के टर्म्स में लिखिए अच्छे से, एम आगे एम वन यू वन प्लस एम टू यू वन माइनस एम वन यू टू माइनस एम टू यू टू प्लस एम वन यू वन माइनस एम टू यू टू प्लस सॉरी ये है यू वन एम टू एम टू यू वन और यहाँ पे टू एम टू यू टू और डिवाइडेड बाई ये किससे बेटा एम वन प्लस एम टू से। तो यहाँ से एम वन और यू वन ये क्या हुआ, वी टू हुआ मेरा टू एम वन यू वन एम टू यू वन और यहाँ पे क्या बेटा एम टू यू वन दोनों प्लस और माइनस की टर्म से कैंसिल आउट हुई। ठीक है, ये क्या है माइनस ऑफ एम वन यू टू और ये क्या है यहाँ पे ये है एम एम वन यू टू और ये माइनस ऑफ एम टू यू टू ये प्लस ऑफ एम टू यू टू देन क्या हुआ प्लस एम टू यू टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। ये मेरी टर्म आ गई है वी टू के लिए इक्वेशन सिक्स। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं बेटा स्पेशल केसेस, वी वन की मेरी वैल्यू आई है यू एम वन यू वन माइनस एम टू यू वन प्लस टू एम टू यू टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू और मेरी यहाँ से वी टू की वैल्यूज आई है ट्वाइस ऑफ एम वन यू वन माइनस एम वन यू टू प्लस एम टू यू टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा स्पेशल केसेस कैसे अराइजेज होंगे, स्पेशल केसेस अगर मैं ले लेती हूँ द फर्स्ट वन इज इफ एम वन इज इक्वल्स टू एम टू। ठीक है, और ये मानो एम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वी वन की वैल्यू मेरी क्या आएगी, अगर मैंने फिफ्थ इक्वेशन में पुट किया वी वन की वैल्यू देखो बेटा यू वन एम माइनस यू वन एम प्लस टू एम टू सॉरी एम यू टू डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। तो यहाँ से मेरा ये कैंसिल आउट हुआ, ये क्या बचा टू एम यू टू डिवाइडेड बाई एम प्लस एम टू एम, टू एम से टू एम कैंसिल आउट हुआ देन वी वन मेरा क्या आ गया यू टू हुआ। ठीक है, अगर इसका सेकेंड केस होता बेटा बी इफ सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, अगर मेरी सेकेंड बॉडी क्या होती है बेटा रेस्ट पे। ठीक है, तो मेरी ये जो वेलोसिटी है यू टू क्या होगी मेरी जीरो, तो मेरी वी वन क्या हो जाएगी ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो वी वन मेरी जीरो हो जाएगी। अब इसका अलग से एक स्पेशल केस आता है, अगर मैं इक्वेशन सिक्स में पुट करती हूँ ये वैल्यू स्पेशल केस एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू मैं एम ले लेती हूँ एंड पुट दी अगर मैं पुट करती हूँ इक्वेशन सिक्स में। ठीक है, तो वी टू में अगर बेटा मैंने इसमें पुट किया तो यहाँ से मेरी क्या वैल्यू आई टू एम यू वन माइनस एम यू टू प्लस एम यू टू डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, एम यू टू से एम यू टू कैंसिल आउट देन वी टू विल बिकम ट्वाइस ऑफ एम यू वन डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एम। तो यहाँ से वी टू क्या है बेटा यू वन। ठीक है, तो अगर मेरे मासेज इक्वल हैं तो मेरी फाइनल वेलोसिटी ऑफ जो सेकेंड बॉडी की वो क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। ठीक है, और अगर मेरी सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट तो मेरा क्या हो, अगर मेरी फर्स्ट बॉडी इज एट रेस्ट देन यू वन विल बिकम जीरो एंड वी टू विल ऑल्सो बिकम जीरो। ठीक है, तो ये इसके बेटा स्पेशल केसेस हैं। अगर ये इतना पूरा एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसमें आपसे
मिनिमम ये 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं बेटा कि आप नेगेटिव और प्लस में, ठीक है, साइन में आप दिक्कत करो। तो बड़े प्यार से और ध्यान से करना है, आराम आराम से, स्टेप बाय स्टेप। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि जल्दी करना है, आप अच्छे से टाइम लेके इस एक्सप्रेशन को कीजिए। ये एक्सप्रेशन यही खत्म होता है, इसके चांसेस 80% चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछने के। आगे मैं आपके एक और एक्सप्रेशन कराऊंगी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप एक बार छोटी सी टर्म पढ़ेंगे, आप यहाँ पढ़ेंगे फोर्स, ठीक है। फोर्स के आपने बहुत सारे स्पेशल केसेस पढ़े हैं, ये है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं बेटा जो सिर्फ हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। पाथ से उनकी कोई रिलेशन नहीं होती, या आप ऐसे ऐसे जाओ या फिर आप ऐसे ऐसे जाओ या आप स्ट्रेट पाथ जाओ, ठीक है। जो मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट है ये सिर्फ उन पे डिपेंड होते हैं। देयरफॉर द फोर्सेस विच ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट विल नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकिंग, ठीक है। हमने क्या पाथ लिया उस पर डिपेंड नहीं करते। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं बेटा, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के अलावा पाथ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकिंग, ठीक है। तो इनका डिफरेंस ये होता है, मैं ये इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हमारा एक छोटा सा एक्सप्रेशन है हमारे सिलेबस में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे कैसे प्रूव करेंगे कि हमारा जो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्सेस है वो पाथ टेकिंग नहीं होते हैं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो जो मेरे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं बेटा, इसका एग्जांपल होता है कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो होंगे मेरे इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल या कोई भी इलेक्ट्रोस्टेटिक या मैग्नेटिक फोर्स जो भी होगा, इलेक्ट्रोस्टेटिक या मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या होते हैं मेरे, ये मेरे होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और जो मेरे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड होते हैं वो होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरा किसका एग्जाम्पल होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, क्योंकि यही हमने पढ़ा है फ्रिक्शन में कि जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज़्यादा होगा, स्लिपरी सरफेस होगा तो उतना कम होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा आप इसे प्रूव कैसे करेंगे कि कोई भी हमारा जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वो फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो आप कोई भी देखो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ए है, ये ए है, ये बी है, ये मास एम, ये एम, ठीक है। अगर ये किसी एक पर्टिकुलर हाइट से यहाँ पे भेजा गया, ठीक है, और यहाँ पे सेम ही मास अगर मैं पहले लेके जाऊँ ए से बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर ई पर, और फिर मैं लेके जाऊँ एफ पर, ठीक है। तो ये है मेरी हाइट अगर एच वन और ये है मेरी हाइट एच टू, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इस चीज़ को, आप देखो यहाँ पे कंसीडर ऑफ मास, ठीक है, आप इसे थियोरिटिकल वे में आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखो बेटा इसमें वर्क डन कितना होगा, वर्क डन ऑफ ए बी, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन किसकी फॉर्म में होगा, ठीक है। वर्क डन ऑफ ए बी क्या होता है बेटा, एम जी एच हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स है मेरा एम जी और हाइट है मेरी एच, ठीक है। अब देखो सेकेंड केस में मेरा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा मेरा वर्क डन ऑफ ए बी, अगर ये पॉइंट, ठीक है, वर्क डन ऑफ ये है ए बी, ये है सी डी ई एफ, ठीक है, क्योंकि फाइनल पॉइंट्स मेरे ए और बी है। तो वर्क डन ऑफ ए बी यहाँ पे क्या होगा बेटा, पहले वर्क डन ऑफ ए सी प्लस वर्क डन ऑफ सी डी प्लस वर्क डन ऑफ डी ई प्लस फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा वर्क डन ऑफ ई एफ, देन ये एफ सी कहाँ पे जाएगा, वर्क डन ऑफ एफ बी, ठीक है। अब देखो मेरा वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन है मेरा एम जी एच, तो मेरा सी डी की टर्म्स में सी, जब मेरा ए टू सी जा रहा है, डी टू ई जा रहा है और एफ टू बी जा रहा है, इसमें वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो क्यों होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या है, जीरो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ वर्क डन ऑफ ए बी विल बी वर्क डन ऑफ ए सी प्लस
सीडी मेरा जीरो हुआ, नहीं सॉरी एसी मेरा जीरो हुआ, सीडी मेरा रहेगी वैल्यू, ये क्या है एच वन हो जाएगी बेटा इसमें, डीई मेरा क्या हो जाएगा जीरो, ईएफ में भी मेरी हाइट क्या हो जाएगी एच टू, और ये भी क्या हो जाएगा जीरो। तो वर्क डन ऑफ ए भी मेरा क्या आएगा यहाँ पे, जीरो प्लस एम जी एच वन प्लस जीरो प्लस एम जी एच टू प्लस जीरो। तो सेकेंड केस में मेरा वर्क डन ऑफ ए बी, वर्क डन ऑफ ए बी विल बी एम जी एच वन प्लस एम जी एच टू। ठीक है, अगर मैं कॉमन लेती हूँ एम जी को, देन इट विल बिकम एम जी एच वन प्लस एच टू। एज अब देखो बेटा ए टू बी जा रहा है, हाइट पहले एच थी, यहाँ पे पहले ए टू सी गया, फिर सी टू डी ई एफ और बी, एक अलग पाथ फॉलो किया एच वन और एच टू, गया वो पॉइंट ए और बी पे है, तो मेरी टोटल हाइट जो इन बिटवीन है वो कितनी है, एच वन और एच टू क्या है फिर मेरा, इक्वल है एच के। तो वर्क डन ऑफ ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी एच। ठीक है, तो जब मेरा पाथ था स्ट्रेट, अब यहाँ गया जिगजैग, तब भी मेरा वर्क डन आया एम जी एच, और अब मैंने जब जिगजैग मोशन से निकाला तब भी मेरा वर्क डन क्या आया एम जी एच। तो देयरफॉर वर्क डन मेरा क्या है सेम इन बोथ केसेस, हेंस ये पाथ पे फर्क ही नहीं पड़ा कि पाथ मेरा क्या है, तो ये क्या है नॉट डिपेंडेंट ऑन, ऑन पाथ, और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे इसने डिपेंड किया, तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन कंसेप्चुअल होते हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछ लेते हैं। आज हमने कोलिजन इलास्टिक कोलिजन किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोलिजन के नेक्स्ट पार्ट के लिए ऐसे एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आप इसके साथ जितना यूज्ड टू रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच।